नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर उस आवाज को लेकर के जो लोकतंत्र की आवाज है, उस आवाज को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की आवाज है, उस आवाज को लेकर के जो देश की आवाज है। दोस्तों, सत्ता का नशा हर किसी को बौरा देता है, सत्ता का नशा हर नेता का दिमाग खराब कर देता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां पर हत्याओं का दौर और अपराधों का दौर रुक नहीं रहा। औसतन 10 हत्याएं रोजाना हो रही हैं, लेकिन इन 10 हत्याओं पर जब रोष जताने कोई विपक्ष का नेता जाता है या समाजवादी पार्टी जाती है या कांग्रेस का नेता जाता है, तो उसको वहीं रोक दिया जाता है, पुलिस वहीं उसको उस जगह तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन आज एक कमाल हुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कमाल कर दिया, और कमाल ऐसा कर दिया महुआ में, जो एक व्यापारी की हत्या हुई जिसको एसपी ने धमकी दी थी, उनके यहाँ महुआ में मिलने पहुंच गए, उनके घर पर मिलने पहुंच गए, लेकिन सड़क पर पुलिस ने उनको डिटेन किया, तो पुलिस से ही वो सवाल जवाब करने लगे। तो देखिए अजय कुमार लल्लू का ये दबंग रूप। इस वीडियो में अजय कुमार लल्लू दबंग नजर आ रहे हैं, उनको डिटेन किया गया। इसी बीच उनके जो थे ट्वीट आते रहे अजय कुमार लल्लू के, और जब ट्वीट आते रहे तो शायद वहाँ पर लोगों पर आसपास खबर पहुँचती, पुलिस ने यह हवाला दिया कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जबकि वो केवल मौना मिश्रा के साथ वहाँ थे। आप बताइए दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति की यहाँ मौत हो गई हो, अगर मौत पर भी अगर कांग्रेस पार्टी जाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसको रोक देती हैं। क्या पिछले 70 सालों में ऐसा आपने देखा था? क्या पिछले 70 सालों में आपने ऐसा महसूस किया था? शायद नहीं किया होगा। लेकिन अजय कुमार लल्लू के सवालों ने इंस्पेक्टर की और पुलिस प्रशासन की बोलती बंद कर दी। जब उनको रेस्ट हाउस में रखा गया, तब देखिए अजय कुमार लल्लू ने क्या पूछा पुलिस वालों से। और लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति आजादी है कि वो किसी के दुख सुख का हिस्सा बने, किसी विषय बिंदु पर, किसी मुद्दे पर अपनी आवाज को उठा सके। अगर आपातकाल लगा हो तो बता दीजिए, आपातकाल लगा है, नहीं जा सकते आप। सरकार ने एस्मा लगा दिया है, कोई भी जनप्रतिनिधि दिख जाए उसको देखते गोली मार दिया जाएगा, लाठी चला दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे थोड़ा तानाशाही होती है, ये तो तानाशाही है। आपके पास लाठी है, बंदूक है, लेकिन हमारे पास सीना है, झेलेंगे आपकी लाठी, आपकी गोली झेलेंगे हम सीने पर। अगर आपको लाठी पर गुमान है तो हमको अपने सीने पर गुमान है, अगर आपको अपने बंदूक पर गुमान है तो हमको अपनी सीने पर गुमान है। हंसते हंसते खेल जाएंगे, आवाज नहीं दबा पाएंगे आप। ऐसे थोड़े होता है गुंडई, गुंडई के बल पर आपने रोक दिया। ये कौन सा तरीका था जिस तरह रोकने का? हम 3 घंटे सड़क पर आपने हमको खड़ा किया, इसलिए खड़ा किया भाई, हम किसी के दुख में ना जाए, हम किसी के विषय को ना उठाए, किसी मुद्दे को ना उठाए। हमारा काम क्या है? बंद कर दीजिए जनता का चुनाव, बंद करा दीजिए डेमोक्रेसी, कानून बनवा दे सरकार, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं आवाज उठाएगा। मत बात करिए किसान पर, मत बात करिए मजदूर पर, मत बात करिए नौजवान पर, मत बात करिए लाइन आर्डर पर। किसी की हत्या हो, पुलिस वाले की हत्या हो, गरीब की हत्या हो, आम आदमी की हत्या हो, व्यापारी की हत्या हो, सब बैठ के चुपचाप तमाशा देखें, लगा दीजिए ऐसा। लेकिन ये ठीक नहीं है। हमारे दो जाने से, दो लोगों के जाने से इनपुट कैसा इनपुट है भाई? अगर हमारा इनपुट अगर इस तरह का रहता तो हम जाते, हम वहां पूरे लाव लश्कर के साथ जाते, नहीं रुकती, जलती लाठी, हमारा सीना होता, हमारा सर होता।
पुलिस वालों से सवालों जवाब करने के बाद वो फिर मंजिल तक भी पहुंचे, उस घर तक भी पहुंचे। उन्होंने अपनी एक मांग दोहराई, जो उसमें संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उनको जेल भेजा जाए, पूरी घटना की सीबीआई इंक्वायरी हो, 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाए, पूरे सुरक्षा की गारंटी दी जाए और साथ ही साथ उनको सरकारी नौकरी दिया जाए उनके परिवार वालों को, ताकि उनका जीवन यापन हो सके। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है और जब तक ये उनकी मांग भी आपने सुन ली होगी दोस्तों, अजय कुमार लल्लू की, जिन्होंने मांग की थी कि हर परिवार को जो है 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। लेकिन इस केस में काफी सारे खुलासे और होना बाकी हैं। इस केस में डीएम से लेकर के एसपी तक जो हैं शामिल हैं, जिसमें 6 करोड़ की फिरौती मांगी गई। इस परिवार की एक भतीजी ने भी वीडियो डाला जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो सवाल उठाता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उस नीयत पर, जिस नीयत को वो कहते हैं कि हम प्रशासन को सुधार देंगे, शासन को सुधार देंगे। अगली न्यूज उनके उसी शासन के लिए होगी जिस शासन को सुधारने की बात कर रहे हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं दबंग गांधी अजय कुमार लल्लू की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अजय कुमार लल्लू का स्टाइल कैसा लगा, इस बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। खासतौर पर कांग्रेस के लोगों, मेरा आपसे कहना है आप बहुत ढीले रहते हैं।